कितनी अच्छी सुगंध। ये सारी तितलियां और भौरे ये कहां जा रही हैं? चलो वही मनोहरी स्त्री है जिसके विषय में वो देव ऋषि नारद बोल रहा था। क्या यही है वो सुंदरी? इसी से आ रही है सुगंध। गौर वर्ण की त्वचा, इतने लंबे घने बाल, सचमुच पीछे से देखने पर भी इतने आकर्षण का आभास हो रहा है तो सामने से कैसी दिखती होगी ये? इसने अपने बालों में पुष्प गूंथना नहीं छोड़ा। क्या इसे सिंह से भी भय नहीं है? सूर्य की तरह चमकता हुआ मुख, यह अद्वितीय सुंदरता, ये स्त्री तो सचमुच अद्भुत है। अच्छे बालक ऐसे क्रोध नहीं करते। इस स्त्री ने तो इतने भयानक सिंह को भी पालतू बनाया हुआ है। कौन है आप सब? क्या चाहिए मुझसे? क्यों आए हैं यहाँ? आपको हमारे साथ चलना होगा। त्रिलोक विजयी, स्वर्ग के स्वामी, महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। महिषासुर? ये कौन है? तुम पूरी तरह से अज्ञानी हो या किसी और संसार से आई हो? तुम्हें असुर राज महिषासुर के बारे में भी नहीं पता? उनका नाम सुनते ही तो बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी भय से कांप उठती हैं। इतने पराक्रमी है वो कि उन्होंने स्वयं नारायण को भी पराजित कर दिया है। अरे अरे, बस बस बस, तुम्हारा ये व्यर्थ प्रलाप सुनकर तो मेरा सिंह भी उबासिया मार रहा। तो फिर ऐसे व्यक्ति में मुझे रुचि कैसे हो सकती है भला? जाओ कह दो अपने महाराज से कि मुझे उनसे विवाह स्वीकार नहीं। हमारे स्वामी का प्रस्ताव अस्वीकार करने का साहस भी कैसे किया तुमने? साहस? इसमें साहस का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे रुचि नहीं है तो मैंने ना कह दिया। अब तुम्हारे महाराज ने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित किया है या स्वयं नारायण को पराजित किया है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके।
इसीलिए वापस लौट जाओ और कह दो अपने महाराज से, यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पधारे और मुझसे युद्ध करें। पिताश्री, युद्ध तो परिहास का विषय नहीं है, तो फिर आप हंसे क्यों पिताश्री? क्योंकि इन असुरों को आभास तक नहीं है कितने अभिमान से ये किससे बात कर रहे हैं। महिषासुर की तरह भी इन्होंने तुम्हारी मां की शक्ति को, नारी की शक्ति को कम आंकने की भूल की है। अब मेरी रुचि तो ये जानने में है कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। साधारण स्त्री हो तुम, तुमसे युद्ध करने के लिए हमारे स्वामी को आने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं। और मुझे तुमसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरा सिंहराज ही पर्याप्त है। जाओ सिंहराज, जरा अच्छे से पाठ पढ़ो। रक्षा कीजिए देवी। ठहरो सिंहराज, जाओ सैनिक और ये संदेश पहुंचा दो अपने महाराज को कि यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहां आए और मुझसे युद्ध करें। एक साधारण स्त्री से पराजित होकर नहीं बल्कि उसके पालतू पशु से भी पराजित होकर आए हो, और तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे सुझाव दो कि मैं स्वयं जाकर उससे युद्ध करूं। मूर्खो तुम, युद्ध अपने समान शक्तिशाली से किया जाता है, ना कि कोई दुर्बल अबला नारी से, और जिसमें इतनी साधारण समझ ना हो वो मेरी सेना में रहने योग्य नहीं। विंध्याचल के लिए कूच करने की तैयारी करो। अब तो उस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, प्रेम से नहीं तो पल से ही सही। हे प्रभु, ऐसे दुर्वचन तो सुनना भी पाप है, केवल मां के बारे में ही नहीं
किसी भी स्त्री के बारे में कोई भी पुरुष ऐसी घिनौनी सोच कैसे रख सकता है? पशु भी एक दूसरे के साथ इससे अच्छा व्यवहार करते हैं। सही कह रहे हैं भैया जी। जब एक गाय गर्भवती होती है तो एक सांड उसके भाग का घास चरना तो दूर की बात, उसे सूंघता भी नहीं है। वो भी एक माँ का सम्मान करना जानता है। पर ये महिषासुर, ये तो पशुओं से भी गया गुजरा है। निष्ठा के हर हद पार कर दी इसने। फिर देवी ने उस राक्षस का वध कैसे किया? ये जानने के लिए ना अब तो हम भी व्याकुल हैं। ऐसे महादुष्ट को तो कठोर दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। उसका दंड तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दुष्कर्म करने से पहले उसके मन में विचार बार बार आए, और यदि ऐसा कर्म करने का विचार आए तो दंड के बारे में सोचकर उसका हृदय ऐसे काम जाए मां भगवती की कृपा से। ऐसा ही हुआ। देवी कात्यायनी ने बड़ी ही चतुराई अपने शत्रु को अपने सामने आने के लिए विवश कर दिया। पापी का अंग सुनो, पापी का अंग सुनो, काल आए और इसे दबोच ले। बहुत अभिमान है इस दुष्ट को, बहुत बुरी मृत्यु मिले तुझे। तुम तुच्छ स्त्रियों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं, अन्यथा मुझे दुर्वचन कहने वाले इस मुख को काट कर शीश से अलग कर देता। कौन है ये स्त्रियाँ? महाराज महिषासुर के भोग का साधन थी ये स्त्रियाँ। अब मान लो कि कंकड़ पत्थर से अधिक और कुछ नहीं है। तुमने तो रक्तपान भी कर लिया सिंहराज, फिर भी इस मूर्ख का अभिमान समाप्त नहीं हुआ। पर अब इसे दंड देने का अवसर आ गया है। महाराज लौट चले? लौटेंगे तो हम अवश्य, किंतु उस स्त्री को अपने साथ लेकर। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अद्भुत, मैंने सुना था कि तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारे केश मेघों की तरह घने, तुम्हारे नयन कमल के पुष्प की तरह, और सौंदर्य से परिपूर्ण तुम्हारा ये तन सुकोमल केले के वृक्ष की तरह। सत्य कहूं तो मेरे हृदय में जो तुम्हारे सौंदर्य की कल्पना की छवि थी, तुम्हारे वास्तविक रूप के समक्ष वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आया तो था तुम्हारा वध करने, किंतु
यदि तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हो। विधाता ने तुम्हें ऐसा अद्वितीय सौंदर्य रणभूमि में व्यर्थ करने के लिए नहीं दिया, बल्कि मेरे सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए दिया है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित क्यों नहीं करते? यदि मुझसे विवाह करना है तो मेरी शर्त का पालन तो करना ही होगा। कोमल पुष्प अग्नि से भिड़ा नहीं करते सुंदरी। तुम्हें मेरी शक्ति का तनिक भी आभास नहीं है, समस्त देवता ही नहीं तुम्हारे नारायण भी मुझे पराजित नहीं कर पाए। इतना शक्तिशाली हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ महिषासुर। तो फिर अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग क्यों करता है तू? क्यों स्त्रियों का हरण करता है, उन्हें सताता है और फिर उनके साथ दुराचार करता है? अरे मूर्ख, स्त्रियों का अपमान करते समय तुझे इतना भी स्मरण नहीं रहता कि तू खुद एक स्त्री से ही जन्मा हुआ है। हे अज्ञानी, जो मात्र भक्ति का अपमान करता है वो माता के हाथों ही मारा जाता है, तू भी मारा जाएगा। ए अपना नारे, अंत कर अपना नरगल प्रलाप। त्रिलोक विजेता महिषासुर हूं मैं। यदि तू ठीक से नहीं मानी तो इन्हीं सुंदर केशों से घसीट कर ले जाऊंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे छू भी नहीं सकता मूर्ख। सिंहराज। बड़ी देर से व्यर्थ में गर्जनाएं कर मेरी सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा था यह सिंह। अपने बाणों से मैंने इसके मुख को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। ये कैसे संभव है? प्राण लेने वाले से रक्षा करने वाला सदैव बड़ा होता है महिषासुर। अब भी समय है, वापस लौट जा। ए अबला नारे, महिषासुर एक बार कोई निर्णय ले ले तो फिर उसे काल भी नहीं बदल सकता। सेना आक्रमण! हे देवियां, मेरी सहायता हेतु कृपया प्रकट होइए। जिस जिस का आवाहन कर सकती हो कर लो स्त्री, कदाचित मेरा गुप्त अस्त्र तुम्हारी समस्त देवियों का काट होगा।